हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने टेरेस गार्डन पे छोटा सा पोल्ट्री फार्म भी बनाया है। तो फ्रेंड्स, इसमें 20 चिक्स रखे हुए हैं मैंने। दोस्तों, ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है। तो टेरेस गार्डनिंग के साथ साथ मैंने इन्हें भी ऊपर छत पे रखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये छोटे चिक्स हैं, ये देखें फ्रेंड्स, इन्हें मैंने बहुत छोटे खरीद 15 दिन पहले ही काफ़ी छोटे साइज़ में ख़रीदा था। और दोस्तों, आज ये देखिए, इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, इन्हें दोस्तों में मल्टी विटामिन का सिरप आता है चिक्स के लिए, वो इन्हें दिन में 3 बार देता हूँ। और बीमारियों से बचने के लिए भी सिरप है दोस्तों, वो भी इनको मैं देता हूँ जिससे ये स्वस्थ रहें। और आप देखें इनकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी हुई है। ये मैंने 20 चिक्स रखे हुए हैं यहाँ पे, अभी इनके लिए काफ़ी जगह है इसके अंदर। इन्हें मैं दलिया, गेहूँ के छोटे टुकड़े, चावल के टुकड़े और दोस्तों पालक की कटिंग ग्रीन में ये देता हूँ। ये देखिए, इनके पंख भी आ गए हैं दोस्तों, तो ये काफ़ी स्वस्थ हैं, देखिए, और काफ़ी सुंदर है। तो आप भी अपने टेरेस गार्डन पे छोटा स्पेस इनके लिए निकाल सकते हैं अगर आप को चिक्स पालने पसंद हैं। बर्ड्स, चिक्स और भी तरह के पक्षी अपने टेरेस गार्डन पे अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। गार्डनिंग के साथ साथ ये भी पल जाते हैं और आप देखेंगे ये सारे ही काफ़ी तंदुरुस्त और बढ़िया दिख रहे हैं। फिर मैं इनकी रोज़ साफ़ सफाई करता हूँ। अभी वीडियो शूट करने की वजह से मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इसकी क्लीनिंग होगी और दोबारा से सारी फीड्स फिल की जाएंगी। और दोस्तों, ये बढ़िया से रहते हैं, ये देखिए, देखें, ये बाहर आने के लिए काफ़ी ही घूमते रहते हैं। ये देखिए, इन सभी को बाहर आना है, बट अभी ये छोटे हैं इसलिए मैं इन्हें बाहर नहीं निकालता, पिंजरे में ही रहते हैं ये। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ओके, बाय।